अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुक विद अस्मा। और आज आपको मैं चिकन निबलेट्स बनाने का तरीका बताऊंगी। ये एक इंतहाई आसान रेसिपी है जिसे आप चूल्हे पे या आप ओवन में या बेक करके और ग्रिल में भी बना सकते हैं। जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो आप वैसे बनाएं। लेकिन सबसे पहले चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ, देखते हैं कि ये चिकन निबलेट हमने कैसे बनाए हैं। इसके लिए जो चीज़ें दरकार हैं, सबसे पहले मैंने ले लिए हैं 1 किलो चिकन निबलेट ले लेने जो वॉश्ड हैं और साफ़ हैं। 1 किलो लेके आप उसे एक बाउल में डाल लें। इसके बाद 85 ml तकरीबन लेमन जूस मैंने लिए है। आप इतना ही सिरका भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप यूज़ कर लें। सिरका ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर लेमन जूस किसी को नापसंद हो। इसके साथ 1 चम्मच नमक, ये भी आप हसबे ज़रूरत कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 1 किलो के साथ 1 चम्मच परफेक्ट है। और इसके साथ 1 चम्मच सुरख मिर्च, रेड चिली पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला। सिर्फ इसके लिए ये 3-4 चीज़ें ही दरकार हैं, नमक, सुरख मिर्च और गरम मसाला, और साथ में 1 कप सिरका या आप 1 कप लेमन जूस ले लें। और उसके बाद इसे मैरिनेट करके आप बेशक घंटे डेढ़ के लिए रखते हैं फ्रिज में, या आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं कि 1 दिन पहले आप इसे मैरिनेट करके फ्रिज में रखते हैं और नेक्स्ट डे बना लें। मैं अभी ये सारे निबलेट्स जो हैं उनको मैं एक छोटे बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ। मैरिनेट करने के बाद अगर आप इन्हें जितना टाइट और तंग बाउल में डाल के रखेंगे उतना ही ज़्यादा मसाला इसके अंदर रच जाएगा, इसलिए मैंने इसे एक छोटे टाइट बाउल में शिफ्ट कर लिया। और इस पे मैं ये मैरिनेट किया हुआ मसाला डाल के 1 घंटे के लिए मैं इसे फ्रिज में रखूँगी और उसके बाद हम इसे चूल्हे पे बनाएंगे। अब नाज़रीन 1 घंटा तकरीबन गुजर गया है। मैंने एक नॉन स्टिक पैन ले लिया है और आग जो सी है वो मीडियम फ्लेम पे रखनी, बहुत तेज़ नहीं रखनी। और इसमें हम एक्स्ट्रा पानी कोई नहीं डालेंगे, ये चिकन निबलेट्स जो हैं वो अपना पानी खुद छोड़ेंगे और उसी के अंदर ये पक जाएंगे। आप मीडियम आंच के ऊपर, हल्की आंच के ऊपर ढक के इसे 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें और बीच में वक्फे वक्फे से चम्मच हिलाते रहें। अब आप देख सकते हैं कि ये जो पानी है ये खुद ब खुद इसमें से निकला है, मैंने नहीं एक्स्ट्रा डाला। इसी में ये पकेंगे और इसी में गलेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे करने से आप मेरी हर आने वाली वीडियो को देख सकेंगे। अब इसी पानी को हमने खुशक करना है। अब देख सकते हैं कि अब पानी जो है वो कम हो गया, क्योंकि उसमें 15-20 मिनट तक ये पकता रहा है। जब तक पानी खुशक नहीं होगा हमने तब तक इसे पकाना है। और जब एंड पे पानी बहुत कम रह जाए तब आप इस चम्मच को हिलाते रहें, उससे आप इसको अच्छी तरह से भून लेंगे और मसाला भी जो है वो सारा इसके साथ एक एक के साथ लग जाएगा। बहुत ही बेहतरीन किस्म की खुशबू आ रही है और बहुत ही आसान है। अगर आपके पास घर में कोयला भी हो तो आप एंड के ऊपर कोयले का धुआं भी इसमें दे सकते हैं, उससे एक और मज़ीद टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। अभी आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो तकरीबन इसका ड्राई हो गया। अब हम इसमें तकरीबन 50 ml के करीब कुकिंग ऑयल डालेंगे और आप अंदाजे से थोड़ा सा भी ऑयल डाल सकते हैं, उससे आप इसे भून के और बस उसके बाद ये तकरीबन तैयार है। अब मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया और अब कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसे 5 से 6 मिनट के लिए मैं इसे भूनूंगी। यहाँ पे आप चाहें तो आंच को तेज़ कर लें या मीडियम फ्लेम के ऊपर भी आप इसे फ्राई कर सकते हैं। मेरे पास इंडक्शन हॉब है, इसकी हीट का थोड़ा सा फ़र्क होता है गैस वाले चूल्हे के मुकाबले में, इसी वजह से मैं कोयले का धुआं भी कम चीज़ों को दे पाती हूँ, क्योंकि कोयले को बर्न करने के लिए दिक्कत आती है। आपके पास अगर गैस वाला चूल्हा है तो आप लाजमी उसके ऊपर एक कोयला रख के आप उसको जला के बर्न करके इसके दरमियान में एक फॉइल का छोटा पीस रख के आप इसे कोयले का धुआं दे सकते हैं, उससे बहुत ही अच्छा बारबेक्यू टाइप का टच आएगा। लेकिन अभी मैंने उसके बगैर तैयार किए हैं
और ये फिर भी बहुत मज़े के बने थे। अब आप देख सकते हैं कि चिकन निबलेट जो है वो बिल्कुल तकरीबन रेडी हो चुके हैं। ऑयल डालने के बाद उसे 5 से 10 मिनट के लिए मैं भून लिया। अब मैं उसको बाहर निकालूंगी और इसको अब हम सर्व करेंगे। आप चाहें अपनी किसी भी फेवरेट सॉस के साथ, चाहे मिंट या पुदीने की चटनी बना लें, केचप वगैरह जो भी आपको पसंद हो उसके साथ आप इसे सर्व करें। कोई मेहमान आए हों आप तब भी ये क्विकली बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, इसके लिए कोई ज़्यादा चीज़ें दरकार नहीं है। सिर्फ नमक, सुरख मिर्च और गरम मसाला डाला है। आप चाहें तो सिरका डाल सकते हैं लेमन जूस को छोड़ के। बेहतरीन किस्म के चिकन निबलेट तैयार हो चुके हैं। वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह किसी बहुत ही अच्छी और बेहतरीन रेसिपी के साथ नेक्स्ट टाइम जल्द मिलेंगे। इस बार तकरीबन 1 मंथ के बाद मैंने वीडियो डाली क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब इंशाल्लाह आपको जल्द दोबारा नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। जाते जाते इंशाल्लाह एक अच्छी बात भी करते हैं कि हम सब अपने मरने के बाद अल्लाह की तरफ जाने वाले हैं, लेकिन खुशकिस्मत वो है जो अपनी ज़िंदगी में ही अल्लाह की तरफ चला जाए। तो आप लोग अल्लाह ताला को याद करें और अपने दिलों को उसकी तरफ, उसकी याद में माइल करें। इंशाल्लाह आप बहुत बेटर फील करेंगे। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और आप इस बटन पर दबा के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हर आने वाली वीडियो को देख सकें।